गाइस आज है 16th मार्च और आज मुझे पहली बार पता चला कि रेंट अ गर्लफ्रेंड जो कि एडल्ट एनीमे है, मतलब एडल्ट की तरह एडल्ट थीम्ड एनीमे है, ठीक है, उसके बारे में पता चला। हमें जानता हुआ 2020 का एनीमे है, पर अभी मुझे पता चला कि रेंट अ गर्लफ्रेंड बोलकर भी कोई एनीमे होता है। आफ्टर वॉचिंग अटैक ऑन टाइटन, नारुतो शिप्पुडेन, नारुतो एंड वन पीस, हाफ मैं दिखाऊँ वन पीस, ठीक है। आफ्टर वॉचिंग दिस फाइटिंग स्टोरीज, फाइटिंग एंड एक्शन एनिमेस, आई थॉट ऑफ ए लव स्टोरी एनिमे एंड आई सर्चड अबाउट रेंट अ गर्लफ्रेंड। और रेंट अ गर्लफ्रेंड आप लोग लिटरली देखोगे, बहुत ही अच्छा एनिमे, आप लोगों को पहली बार देख कर ही एनिमे अच्छा लगा। इसका स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर टोटल दो ठो मेन कैरेक्टर्स है, काजुया किनोशिता और सिज़ुरो मिज़ुहारा, ठीक है। जब काजुया किनोशिता के साथ मामी नानामी का ब्रेकअप हो जाता है, फिर काजुया जब मामी के साथ ब्रेकअप हो जाता है, फिर काजुया सोचता है एक तो डेटिंग ऐप के बारे में, ठीक है, जहाँ पे उसे सिज़ुरो मिज़ुहारा मिलता है, ठीक है। और ऐसे ही ऐसे स्टोरी चलता जाता है। फिर आप लोग देखोगे तो उन लोगों के अंदर कोई रिलेशन नहीं होता, पर जब आप लोग एनीमे थोड़ा सा कंटिन्यू करोगे फिर आप लोगों को गाइस पूरा फैब लगेगा एनीमे। ये असल में थोड़ा सा लव स्टोरी टाइप का है, पहले उन लोगों के अंदर रिलेशन नहीं था। जब उन लोगों का फैमिली पता चला, फिर कुछ एपिसोड्स बाद उन लोगों के अंदर रिलेशन तैयार हुआ, ठीक है। हम ऐसे ही तो मुझे लिखा, वैसे मैं ये स्क्रिप्ट देखकर बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैं अभी फर्स्ट एपिसोड ही देखा हूँ। आप लोग सोच रहे हो मेरा तो उतना औकात नहीं है कि मैं क्रंची रोल की ऐसी वगैरह वगैरह साइट से देखूँ, मतलब हाईफाई ऐप से देखूँ, ठीक है, इसलिए मैंने देखा यूट्यूब पर। आप लोग सोच रहे हो यूट्यूब पर तो मिलता ही नहीं है, पर है म्यूज़ एशिया, ठीक है, MUSEASIA म्यूज़ एशिया। वैसे आप लोगों को तो इधर नारुतो टारुतो नहीं मिलेगा, पर आप लोगों को स्पाई एक्स फैमिली और ऐसी तरह के कुछ नॉर्मल रेटेड एनीमे आप लोगों को मिल जाएगा, मिड रेटेड एनीमे, मतलब थोड़ा सा 4-3 स्टार इन लोगों को मिला है, ठीक है। ऐसे एनीमे आप लोगों को इंग्लिश सब पे मिलेंगे, इसलिए मुझे 4 आँख बनाना पड़ा, ठीक है। मेरा चश्मा 2 आँख और मेरा पर्सनल आँख 2 आँख और 4 आँख, ठीक है, वैसे कि झुक सपाट, ठीक है, 2 आँख सबटाइटल पढ़ने के लिए, 2 आँख देखने के लिए, ऐसे जोक था, ठीक है, सीरियसली मत लेना, मेरा 4 आँख नहीं है यार। आप लोगों को मैं डेथ नोट तो एक तो लेजेंडरी एनीमे है, जब आप लोग एनीमे जर्नी शुरू करना चाहते हो तो, ठीक है, पर आप लोग अगर रेंट अ गर्लफ्रेंड से शुरू करोगे तो आप लोगों को एक्शन छोड़कर भी थोड़ा सा अलग कंटेंट मिलेगा, ठीक है। मतलब आप लोग तो डेमन स्लेयर भी देख सकते हो, वो एक तो हाईफाई एनीमे है, ठीक है, मतलब आप लोग रेंट अ गर्लफ्रेंड से भी आप लोग शुरू कर सकते हो, क्योंकि एक तो नॉर्मल एनीमे है जिसका स्टोरी लाइन बहुत ही ईजी है समझने के लिए, और ये आप लोगों को हेडफोन पहनकर ही देखना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल वाला सीन भाई साहब, जो काजुया का दादी हॉस्पिटलाइज्ड थी और सिज़ुरो और काजुया को देखकर जो उसकी दादी बोली थी यार, आप लोग खुद देखना चाहिए, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वो सबटाइटल, ठीक है, जो उसने बोला था, ऐसे ही आप लोगों को देखना चाहिए, ठीक है। वैसे बहुत अच्छा है एनीमे, ठीक है। आप लोग इसका कॉमिक्स पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन आई थिंक सो म्यूज़ एशिया से ही आप लोगों को ये इंग्लिश सब आप लोगों का पसंद नहीं है, ठीक है। आप लोग फिर कॉमिक्स देखना, जब आप लोगों को इंग्लिश सब पढ़ना पसंद है फिर आप लोग देख सकते हो म्यूज़ एशिया से, ठीक है। वैसे मैं बता दूँ, म्यूज़ इंडिया, म्यूज़ फिलीपींस, ऐसे बहुत सारे चैनल्स है, पर आप लोग म्यूज़ एशिया से ही देखना, क्योंकि म्यूज़ इंडिया, म्यूज़ एशिया पे एक ही चीज़ अपलोड होता है यार, ठीक है, थोड़ा सा अलग होता है पर एक ही चीज़ अपलोड होता है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका चैनल दिया गया है, ठीक है। आप लोग एकदम से डिस्क्रिप्शन से आप लोग उसका एकदम से जा सकते हो। आप लोग अगर नहीं चाहते हो तो मेरा प्लेलिस्ट में भी है,
आप लोग उधर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि डेथ नोट या रेंटा गर्लफ्रेंड से ही आप लोग शुरू करें, ठीक है। टाटा।